बिग बाजार गौर सिटी हुआ करता था पहले, अब हो गया है रिलायंस स्मार्ट बाजार। बिग बाजार का स्टोर जिसका अधिग्रहण हुआ है अब वो रिलायंस स्मार्ट बाजार हो गया है। और ये रिलायंस स्मार्ट बाजार कस्टमर्स के लिए कब से ओपन होगा ये मैं आपको इस वीडियो से बताता हूँ। ये स्टोर लगभग जून जुलाई तक सभी स्टोर कस्टमर के लिए खुल जाएंगे, जिससे ग्राहक जाके अपना सामान खरीद सके, कुछ भी जो फैशन से चाहे ग्रोसरी से खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों इतना समय क्यों लग रहा है मैं बता दूं आपको। तो इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि जो पहले के जो स्टोर्स में रैके वगैरह थी, सिस्टम्स वगैरह थे, उनको अभी हटाया जा रहा है और रिलायंस के द्वारा नए सिस्टम्स, नई रैके और नए तरीके से स्टोर को डेकोरेट किया जा रहा है अंदर से। तो इस वजह से समय लग रहा है और इन चीज़ों में फिजिकली वर्क होता है तो थोड़ा समय लगता है। और इन्वेंट्री वगैरह और रिलायंस किन प्रोडक्ट को अपने स्टोर में रखती है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें रिलायंस नहीं रखती है तो उनको आउटवर्ड लगा के डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस किया जा रहा है, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से उसकी परचेजिंग थी, और जिन प्रोडक्ट्स को वो रखती है उसकी मैपिंग हो रही है। तो ये सब कुछ प्रोसेस चल रहा है जो अंदर अंदर अभी चल रहा है। अभी क्या है, रिलायंस नॉनवेज नहीं रखती है तो नॉनवेज कंपनियों का जो स्टॉक है उसको लिक्विडेट किया जा रहा है। बहुत ऐसे कंपनियां हैं जिसका प्रोडक्ट रिलायंस नहीं रखती अपने स्टोरों में तो उनको लिक्विडेट किया जा रहा है। और लिक्विडेट बेसिकली ये B2B हो रहा है, B2 मतलब बिजनेस टू बिजनेस, किसी बड़े शॉप्स को ये लोग हाई मार्जिन पे बेच रहे हैं उस स्टॉक को, और ऐसा कुछ अंदर चल रहा है। जान ही चुके हैं कि जब रिलायंस स्मार्ट बाजार हो गया है स्टोर तो बेसिकली क्या है कि ये स्टोर एज इट इज़ बिग बाजार की तरह ही होंगे और थोड़ा बहुत ही चेंजेस होगा इसके अंदर। और कस्टमर्स को मतलब ऐसा फील नहीं होना देना है कि मतलब ये स्टोर मतलब नया कोई चैनल है, कोई नई मतलब रिलायंस वाला। रिलायंस बेसिकली क्या है कि वो मतलब फील दिला देती थी कि मतलब ये थोड़ा सा लोअर लेवल का स्टोर था, लेकिन बिग बाजार में क्या था कि स्टैंडर्ड कस्टमर जाते थे तो उस तरीके से इसका मेकओवर हो रहा है, उस तरीके से इसको सजाया जा रहा है, डेकोरेट किया जा रहा है रिलायंस स्मार्ट बाजार को। तो इसी वजह से थोड़ा समय लग रहा है और लगभग अगस्त तक जितने भी इनके बिग बाजार के स्टोर हैं सारे ऑपरेशंस में होंगे, सारे रिलायंस स्मार्ट बाजार की तरफ से, क्योंकि जिन स्टोरों को इन्होंने स्टोरों को टेक ओवर किया है तो अभी क्या है कि अंदर अंदर काम बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत ही जल्द आपको ये स्टोर्स कस्टमर के लिए ओपन हो जाएंगे, और जिससे कस्टमर अपना जाकर जो शॉपिंग परचेज करना हो आसानी से कर सकता है और एज इट इज़ कस्टमर को ये फील ना हो कि ये स्टोर अब मतलब एक बाजार नहीं है या कोई अदर स्टोर है। तो कहीं ना कहीं देखिए फील की तो बात है, फील तो होगा ही क्योंकि जो बिग बाजार की सर्विस थी एज वेल एज गुड थी, रिलायंस की भी सर्विस अच्छी है, लेकिन क्या है रिलायंस में प्रोडक्ट की क्वालिटी का थोड़ा सा इशू रहता है। रिलायंस की जो क्वालिटी है वो खासा अच्छी तरीके से मतलब वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और रिलायंस बेसिकली ऑनलाइन ज़्यादा सर्विस दे रही है, हर जगह रिलायंस पॉइंट है, स्मार्ट पॉइंट, हर जगह रिलायंस, तो पूरा मार्केट को इन्होंने कैप्चर कर लिया है आज की डेट में, बता दूं मैं आपको, तो पूरी मार्केट इन्होंने कवर कर ली, कैप्चर कर ली है। तो एक तरह से रिलायंस जो है अब इंडिया में रिटेल किंग हो गया है और पूरी मार्केट को इसने कैप्चर कर लिया है, कोई कंपटीशन में किसी को छोड़ा नहीं। अब डी मार्ट रिलायंस का कड़ा आमने सामने का टक्कर चल रहा है अभी करंट डेट में, चूँकि बिग बाजार का था पहले तो बिग बाजार तो अब इन्होंने ही उसको कब्जा कर लिया है। तो अब जो आमने सामने की जो दो लोगों की टक्कर है वो राधा किशन धामानी और मुकेश अंबानी बीच में, जो कि दोनों गुजराती हैं, तो इन दोनों के बीच में है। अगस्त में बेसिकली क्या था कि बिग बाजार पहले इंडिपेंडेंस डे का सेल सेलिब्रेट करती थी जो बिग डेज के नाम से करती थी, तो उसमें काफ़ी बल्क बाइंग होती थी, काफ़ी ज़्यादा परचेजिंग होती थी, तो स्टोर को काफ़ी प्रॉफिट होता था। इसलिए रिलायंस ये चाह रही है क्योंकि अगस्त से पहले ये स्टोर इंडिपेंडेंस डे से पहले ये सारे स्टोर को चालू कर दे हर जगह पे और इसका स्मार्ट मेकओवर हो जाए, स्टोर अच्छे से ऑपरेशंस में आ जाए, क्योंकि अगस्त के बाद से रिटेल सेक्टर उठने लगता है, सेल ऊपर जाने लगता है, और हर कंपनी के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये काफ़ी अच्छे मंथ्स होते हैं सेल के लिए, क्योंकि इनमें क्या होती है कि ठंडियों में जो लोग ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, ज़्यादा सामान यूज़ करते हैं, जैसे आप खाने पीने का सामान है वो भी ठंडियों में ज़्यादा लोग कंजम करते हैं, कपड़े वपड़े धोने के लिए भी सर्फ साबुन लोग ज़्यादा अधिक सर्दियों में लगता है, तो सर्दियों में सेल बढ़ती है। तो इस हिसाब से ये स्टोर को चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चालू किया जाए और इंडिपेंडेंस से पहले स्टोर चालू हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ प्लान है। बाद वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, और नीरज दिल्ली चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।